नमस्कार, मैं राधिका गुर्जर एच न्यूज 24 पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की खबर की। जामुनिया गोपचा, यह है नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के तहत आने वाली ग्राम पंचायत जामुनिया गोप चौहान, जहां पर विकास तो ठीक है सरपंच सचिव करते हैं, लेकिन खुद अपनी पंचायत भवन बैठने की व्यवस्था गांव में अगर किसी कोई काम पड़ता है तो पंचायत का यहां पे कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना तो है लेकिन ये वर्षों पुरानी खंडर बिल्डिंग है, जब मैं कैसे यहां पे सरपंच सचिव बैठकर काम करता है। मैं आपकी यह थोड़ी सी लोकेशन दिखा रहे हैं आपको, आइए ये इस नाल में अंदर जाते हैं और ये पंचायत है। ये जैसे जैसे मात्र नाम मात्र ये व्यवस्था कर रखी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह जो भी व्यवस्था रहती है मशीनें यहाँ पे नहीं है, घर पे ही रखी, क्योंकि यहाँ पे चोरी भी हो सकती है खंडर है। तो हम यहाँ के सरपंच है, जो नवनियुक्त सरपंच है, इनसे जानेंगे कि विकास कार्यों को लेकर आप क्या काम करेंगे, पंचायत भवन की आपकी समस्या थी इसके लिए आपने अभी तक क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या मांग की, किसने क्या आश्वासन दिया, पूरी हम इनसे सरपंच साथ जानेंगे। ग्राम पंचायत जामुनिया गोप चौहान में नहीं है पंचायत भवन, बिना भवन के संचालित हो रही पंचायत, सरपंच सचिव ने जुगाड़ से बना रखी पंचायत भवन। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के तहत आने वाली ग्राम पंचायत जामुनिया गोप चौहान में पंचायत भवन नहीं होने से सरपंच सचिव और सहायक सचिव तो परेशान हो ही रहे हैं। इधर ग्रामीण हितग्राही भी परेशानी उठा रहे हैं। आपको बता दें कि शासन द्वारा विगत 40 वर्ष पूर्व एक छोटा सा भवन दिया था, जो अब तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। इधर सरपंच सचिव द्वारा गांव के वर्षों पुराने खंडर स्कूल में जुगाड़ करते हुए एक कमरे में पंचायत संचालित की जा रही है, बाकी आसपास की दीवारें पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, बाकी यह भवन भी कभी धराशायी हो सकता है। ऐसे में ग्रामीण लोगों को भी पंचायत संबंधित कार्य करवाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। हम हमारे घर पे आते हैं गांव वाले, हम गांव वाले उनके घर पे जाते हैं, क्यों पंचायत हमारे पास है नहीं, कहाँ तो कंप्यूटर रखे, कहाँ सास का काम करे, हम तो इतना परेशान है। और अवगत सब पूरे को प्रशासन को हमने अवगत करा। अच्छा, आपने संबंधित अधिकारी को अवगत करा दिया, क्या आश्वासन दिया? उनने आश्वासन दिया कि आएगी पंचायत, आएगी, मैं तो उसमें तो है ही नहीं कुछ भी, वो तो एक छत टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी। जी जी, हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ बैठे। अच्छा, और क्या समस्या गांव के अपने? गांव की समस्या यही है अभी तो, और जो आएगी वो हम अवगत आपको कराएंगे, लेकिन हमारे बड़ी समस्या यही है कि हम ग्राम पंचायत कहाँ लगाए, कहाँ लगाए, लगाने की समस्या है। समस्या ये है, हम हमारे पंचों को कहाँ बैठाएं। अच्छा, तो मतलब हमारा जो ग्राम पंचायत की जो सभा होती है, हम सभा बाहर एक आंगन में करते हैं बाहर। अच्छा, अब हमारे जगह ही नहीं बैठने की, क्या करें। हमने सबको अवगत करा दिया, और हमने जब अवगत करा दिया तो वो आश्वासन देते हैं हम।